और जी ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, ये हमारे कुलाओं का ग्राउंड है, मतलब कुलाओं जितना भी एरिया आता है मतलब सब इसमें मस्त करके। जय माता दी। गाइस मैं मंदिर में पहुंच चुका हूँ, मंदिर वाले रोड पे पैदल पैदल जा रहे हैं और देखते हैं अंदर तो नहीं जाएंगे मगर। गुन्नू कौन नहीं? और अभी आपका दिन का 11 बजा है, अभी ऊपर चलते हैं खाना। आज मैं जाऊंगा दूसरे रास्ते, ये देखो यहाँ से पूरा जंगल है, नीचे देखो आराम से जंगल जंगल ही। यहाँ पर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे चीड़ के पेड़ हैं, क्या हैं वो भाई कौन से। और ये देखो यहाँ पूरे पेड़ पेड़ दिख रहे हैं आपको, देखो ये रास्ता आगे को जा रहा है मस्त करके। और इस साइड को देखो पूरे चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे आपके, छोटे छोटे बड़े छोटे बड़े। और सामने देखो आसमान कितना नीला, हल्के फुल्के बादल हैं आज। और देख सकते हैं उस साइड को पूरा जंगल देखो, जस्ट सामने को देखो आप। और ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे यहाँ का, यहाँ पे बच्चे खेलने कूदने मैच हर चीज़ का काम होता है यहाँ पे। और आपको दिखाता हूँ अभी, और वाला रास्ता सीधे ऊपर रोड पे जाता है। आज देख सकते हैं क्या मस्त हरियाली दिख रही है। और जी ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, ये हमारे कुलाओं का ग्राउंड है, मतलब कुलाओं जितना भी एरिया आता है मतलब सब इसमें मस्त करके क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। बहुत कुछ कार्यक्रम होता है यहाँ पे, आर्मी की तैयारी होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है। और देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता भी है, वो भैंसेघर वालों को जाने वाला रास्ता है। और नीचे देखो भैया भी यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने, जो भी हमारे गाँव के, देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना दूर है जहाँ तक आप। मैं जो आपको फील्ड दिखाया था हमने, वो देखो सामने है, क्या मस्त दिख रहा है। और एक रास्ता यहाँ से भी है नीचे को जाने वाला पैदल गेटी को, और एक रास्ता सीधा ही नकली को, दो रास्ते हैं यहाँ पे। और जो वाला रास्ता है वो सीधा भैंसेघर को जाता है, और ये नीचे वाला रास्ता सीधा हमारा तल्ला कुलाओं को जाता है। और ये वाली रोड से हम जाएंगे सीधे बड़े वाली रोड पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी सफर की शुरुआत करते हैं, अभी मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, अब चलते हैं आगे सीधे, मिलते हैं आपसे, आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू क्या सुंदर है मस्त करके। और देख सकते हैं अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं अभी नीचे क्या मस्त हरियाली दिख रही है उस साइड को, और देखो कोई लोग घास भी काट रहे हैं। और देखो सामने आपका मंदिर है मस्त करके, ये देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है। और ये वाला रास्ता सीधा जो आपको वाला खंची दिखा ना, सीधे मंदिर की ओर जाता है। अभी वहां से ऊपर से दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत व्यू। अभी हम वाले रास्ते से आए सीधे खरंजे खरंजे, देखो अभी ऊपर और जाना है। और सामने देखो क्या मस्त दिख रहा है, पूरा घास है, गाजू बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में। और देख सकते हैं नीचे देखो पूरे पेड़ हैं मस्त करके, इस साइड को भी घास हो रखी है हल्की फुल्की। और अभी हम जा रहे हैं बैनाथ हॉस्पिटल की ओर, और अभी दिखाते हैं आपको
बैनाद हॉस्पिटल से कैसा व्यू दिखता है। और अभी रोड जा रहे हैं मस्त करके, और इस साइड को देखो पूरा मंदिर है, और उस साइड को पेड़ है, क्या मस्त दिख रहा है, वो बैनाद मंदिर है, जय भोलेनाथ। और मान देखो, और इस साइड को देखो पूरा कोहरा लगा है, उस साइड को बारिश होने वाली है, और यहाँ पे सूर्य देवता आगे। ये कौन है जानते हो तुम? ये हमारे गांव के फेमस आदमी है। इनका नाम है हमारे रंजू भाई, मेरा क्राइम पार्टनर है गाइस। ये भी अपने भाई है। ये ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, कुछ ज्यादा हर के भाई आया है, इसलिए कभी भी कॉमेडी करना पड़ता है यार। चलते हैं, देखो मस्त करके और कुछ हो जाएगी। दिल्ली से क्या 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 सीख के आया तुम? क्या सीख के आया यार भाई, ऐसी हुआ क्या? जॉब आना चाहिए अपना घर छोड़ के जाने में, मतलब कि वहाँ कैसे घर से तो होता था, चलो चलो बाबू चलो वहाँ जॉब करते हैं, ये करते हैं, मजे से जाते हैं। वहाँ जाके जो बीतती है वो हमको ही पता रहता है कि कैसे बीतते हैं। अगर सही बात, जैसे कि हमारे मतलब बाहर से आते हैं ना, कि जैसे नेपाली ये आते हैं वो यहाँ रोजगार करते हैं, चलो उन पे उनको देख के हम तो बोलते हैं चलो कि ये रोजगार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। जब हम जाते हैं तो हम भी सेम वही करते हैं। सही बात, बट ये रहता है कि मतलब नए जॉब के लिए पैसे के लिए। मुन्नू कौन भाई, की चाहिए तुम्हें? ये देखो मुन्नू आ गई हमारी। छोड़ हाथ छोड़ मेरा। नो देख सकते हैं क्या मस्त मौसम हो रहा है आज। और इस साइड को देखो, ये पेड़ क्या सुहाने लग रहे हैं देखो सामने मस्त करके, और देखो पूरी हरियाली है। ये मेरा गांव का नज़ारा है देखो। आज आसमान उस साइड को पूरा नीला हो रखा है, और इस साइड को देखो हल्के फुल्के बादल हो रखे हैं, ये देखो पूरे बादल, और देख सकते हैं क्या मस्त दिख रहा है ये देखो। बोतल खोल रही है, नहीं खुल रहा है, हे नहीं खुल रहा है, आप खुल हुआ, चल सब पी दे, सब पी दे, चल सब पी दे, पी दे, पी दे। मुन्नू यहाँ चाचा, हेलो हेलो बोल दे, हेलो कर दे, ये देखो मुन्नू, मुन्नू यहाँ चा, ये देखो। और देख सकते हैं उस सेट को, हल्का फुल्का कोहरा हो रखा है, मतलब मैं क्या बोलते हैं धूप नहीं आई है इसलिए काला काला दिख रहा होगा। और उस सेट को देखो पूरी धूप आई है ना, इसलिए मौसम पूरा हरा भरा दिख रहा है। और देखो वो रीट का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया, उसमें दांत दिखाता हूँ आपको। इस साइड से देखो क्या मस्त व्यू दिख रहा है, और ये मैंने तैयार हुआ किचन है, और देखो यहाँ पर क्या मस्त दिख रहा है वो आपको। और इस साइड को देखो क्या हरियाली हो रही है, मस्त पूरा घास हो रखा है, आज सुंदर धूप आ रखी है ना, इसलिए क्या मस्त दिख रहा है। सामने देखो पूरा शांत माहौल दिख रहा होगा आपको। और इस साइड को देखो पूरी हरियाली हो रखी है, और नीचे साइड को देखो परकोटे साइड को भी मस्त धूप आई है, और देख सकते हैं सामने क्या मस्त दिख रहा है देखो। और आप देखो क्या मस्त धूप आ रही है आज, पूरा आसमान नीला, कई फुल्के बादल उस साइड को दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, और देखो पेड़।
और उस साइड को देखो क्या मस्त हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं, और उस साइड को भी बादल और पूरा आसमान नीला। इस साइड को देखो हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं मस्त। और देखिए भाग गई, देखो कहाँ चली गई अपनी अड्डी पे। देखो वो भी अपने खेल पे लग गई, अभी देखना कुछ ना कुछ करने लग गई अभी। इसलिए आप भी कुछ ना कुछ करते रहो, लाइफ में बिजी रहो।